हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वन निरेलेबल टाइम फॉर द प्योर अलोहा प्रोटोकॉल एंड एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा प्रोटोकॉल। प्रीवियस वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट बता चुकी हूँ कि प्योर अलोहा कैसे वर्क करता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना। तो वन निरेलेबल टाइम क्या होता है कि जिस टाइम में कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कब हम कहेंगे कि कोलिजन होने के चांसेस हैं, यानी कि अगर इस ड्यूरेशन में, इस वल्नरेबल टाइम में अभी कोलिजन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है रिसीवर को। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में कोई भी कोलिजन हो जाता है तो डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता है रिसीवर को। तो कितना टाइम होगा इसका जिसमें कोलिजन होने के चांसेस हैं, देखो यहाँ ये फ्रेम पूरा यहाँ तक है, इस लाइन तक है। तो एट टाइम टी माइनस टी एफ आर क्या है, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ए फ्रेम, एक फ्रेम को ट्रांसमिट होने का जो टाइम है वो है टी एफ आर। टी माइनस टी एफ आर टाइम पे बी स्टेशन ने फ्रेम को ट्रांसमिट किया, ये वाला है इसका बिगनिंग और ये है एंड ऑफ फ्रेम बी। अब एक टाइम टी ए ने डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, ये इसका बिगनिंग है, ये इसका एंड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एट टाइम टी पे क्या हुआ, जो बी का एंड है वो कोलाइड हो जाएगा ए के बिगनिंग से, तो बीस एंड कोलाइड विथ एस बिगनिंग, जिसकी वजह से कोलिजन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, ए ट्रांसमिट हो रहा था और एट टाइम टी प्लस टी एफ सी ने डेटा ट्रांसमिट किया, फ्रेम ट्रांसमिट किया, जिससे क्या हुआ, ए का एंड किससे कोलाइड हो गया, सी के बिगनिंग से, तो एस एंड कोलाइड विथ बिगनिंग विथ सीज बिगनिंग, तो अगेन कोलिजन हो गया। तो इसका मतलब है ये तीनों फ्रेम्स ही जो हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या करप्ट हो जाएंगे। तो ये ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है ये क्या होगा, वल्नरेबल टाइम होगा। जिस ड्यूरेशन में अगर कोई दूसरा फ्रेम ट्रांसमिट करता है तो उस केस में कोलिजन होगा ही होगा। तो कोई भी स्टेशन अगर डेटा ट्रांसमिट कर रही है तो इस ड्यूरेशन के अंदर किसी भी दूसरी स्टेशन को डेटा फ्रेम ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए, अगर वो करेगी तो कोलिजन हो जाएगा और डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये था टी माइनस टी एफ आर और ये था टी प्लस टी एफ आर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो टी प्लस टी एफ आर माइनस ऑफ टी माइनस टी एफ आर करोगे तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी एफ आर इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस टी एफ आर क्या हो जाएगा, प्लस टी एफ आर, तो ये माइनस माइनस प्लस टी एफ आर हो जाएगा, तो टू टी एफ आर। वन निरेलेबल टाइम क्या हो गया, टू इंटू टी एफ आर, यानी डबल ऑफ ट्रांसमिशन टाइम। अगर एक फ्रेम को ट्रांसमिट करने का टाइम 1 मिली सेकेंड है तो 2 मिली सेकेंड की सेकेंड के ड्यूरेशन में किसी भी दूसरी स्टेशन को फ्रेम ट्रांसमिट नहीं करना होगा, अगर उसने किया तो उस केस में कोलिजन हो जाएगा। अगर हमें एफिशिएंसी और थ्रूपुट कैलकुलेट करना होता है प्योर अलोहा का, तो वो किसके इक्वल होता है, एस इक्वल्स टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस टू जी। ये आपको याद रखनी है इक्वेशन की, प्योर अलोहा में जो थ्रूपुट या एफिशिएंसी होती है वो होती है एस इक्वल्स टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस टू जी। यहाँ पर एस क्या है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, कि कितने सक्सेसफुल ट्रांसमिशंस हुए पर यूनिट टाइम में, जिसे थ्रूपुट भी बोला जाता है, या फिर ये एफिशिएंसी भी मानी जाती है प्योर अलोहा की। यहाँ पर जी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, एक फ्रेम के ट्रांसमिट होने के टाइम में कितने फ्रेम्स जो है जनरेट कर रहा है सिस्टम, यानी मल्टीपल स्टेशन एक फ्रेम टाइम में कितने डेटा ट्रांसमिट कर रही हैं, ये होता है जी। एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जो सिस्टम जनरेट करेगा वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में, वो होता है जी। अब प्योर अलोहा में मैंने आपको बताया वल्नरेबल टाइम क्या होता है, टू इंटू टी टी या फिर टी इंटू एफ आर, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। यहाँ पर ट्रांसमिशन टाइम है फ्रेम का, तो इसे आप टी एफ आर भी बोल सकते हो, टी टी भी बोल सकते हो। तो ये किसके इक्वल होता है, मैसेज की लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में आया तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एफिशिएंसी या थ्रूपुट किसके इक्वल होता है, जी इंटू ई टू द पावर माइनस टू जी। हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है प्योर अलोहा मेथड की, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें करना पड़ेगा एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जी, और उसको इक्वल करना पड़ेगा जीरो पे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, जी इंटू ई टू द पावर माइनस टू जी
हम यहाँ पर जी को कांस्टेंट रख रहे हैं और ई टू द पावर माइनस टू जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई टू द पावर माइनस टू जी का क्या हो जाएगा, इंटू माइनस टू प्लस, इसको कांस्टेंट रखेंगे और जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन। इसको हमें इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो इसमें ई टू द पावर माइनस टू जी अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टू जी, तो वन माइनस टू जी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि वन अगर मैं इक्वेट करूँ वन माइनस टू जी को ज़ीरो के, तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू हो जाएगा वन बाय टू। यानी अगर जी की वैल्यू आप वन बाय टू सब्सटीट्यूट करते हो इस इक्वेशन में, तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पता चल जाएगी प्योर अलोहा मेथड की। जी हो गया वन बाय टू, ई टू द पावर माइनस टू जी होता है तो इंटू वन बाय टू कर दिया, तो ये हो गया वन बाय टू ई टू द पावर माइनस वन, जिसकी वैल्यू आ गई 0.184, यानी कि 18.4% मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है प्योर अलोहा की। ये जी की वैल्यू 1/2 का मतलब है कि 1/2 अ फ्रेम इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, देन 18.4% ऑफ दीज फ्रेम्स रीच देयर डेस्टिनेशन सक्सेसफुली। एक फ्रेम टाइम में अगर हाफ फ्रेम जनरेट हो जाता है किसी भी स्टेशन का, तो वो जो है सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा बिना कोलिजन के डेस्टिनेशन पर। तो ऐसे 18.4% जो स्टेशन हो सकती हैं वो अपना ट्रांसमिशन जो है सक्सेसफुली कर सकती हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, 18.4%। इट इज़ वेरी लेस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन। तो ये इतनी कम इसलिए होती है क्योंकि प्योर अलोहा में सबसे ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं, और इसका वल्नरेबल टाइम इन विच कोलिजन में होकर क्या होता है, 2 इंटू फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम।